ये बड़ी दूर से लाया गया, बड़ी कारीगरी से बनाया गया, बड़े ऊंचे से लुढ़काया गया, मिलता कहाँ ऐसा स्वादिष्ट पेठा, ये तो आपके लिए आगरे से मंगवाया गया। बड़ी हसरत तुम्हें बुलाने की जरूरत किसी बहाने की, तमन्ना मेरे दिल में कच्चा नारियल और आगरे का पेठा खिलाने की। प्यार कभी झुकता नहीं, मुश्क कभी छुपता नहीं, पेठे का स्वाद कभी चुपता नहीं। कहना है दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, पेठे का स्वाद नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया अगर एक परिंदे का, कैसे बना घोंसला तूफान क्या जाने। ऐसा आगरे का ताजमहल मशहूर है ना पूरी दुनिया में, ऐसे ही आगरे का पेठा भी मशहूर है पूरी दुनिया में। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने के लिए, दिल धड़कता कच्चा नारियल खाने के लिए, यूं तो मेरा नारियल जमाने के लिए, पेठा भी लाए तुम्हें खिलाने के लिए। आ जाओ पेठा खाने वालों शौकीन भाइयों। टूटे मोबाइलों से कच्ची जानी की पायलों से, गाड़ी की खराब बैटरी से, लोहा टीन और रद्दी से ले जाओ आगरे का पेठा और नारियल का गोला। ऐ मेरे दोस्त जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहो, हमारी प्रचार गाड़ी में आते रहो। लोहा टीन रद्दी कच्ची जानी की पायल टूटे मोबाइल से, गाड़ी की बैटरी से पेठा और नारियल ले जाते रहो। फूल गालों में खिल जाएंगे, दिल टूट कर मिल जाएंगे, जो आगरे का पेठा आसाम का नारियल खाएंगे उनके चेहरे फूल की तरह खिल जाएंगे। पान खाया फूक दिया, सिगरेट पिया फूक दिया, ये कच्चा नारियल ये पेठा बनाता है मुंह का स्वाद। घर पर आए मेहमान बढ़ाना चाहे अपनी शान, चले आइए श्रीमान आगरे का मशहूर पेठा ले जाकर खिलाइए। मेहमान पेठा खाएंगे स्वाद भूल न पाएंगे। अरे माता जी आंटी जी बहन जी एक काम का छिर कर लियो, चौका बासन झाड़ू फटिया बाद में बिन लियो, ये आगरे का पेठा और आसाम का कच्चा नारियल लेकर ओमपाल भैया आ गए। ये खाए लियो नाती नवासन को बोती बोधन को खवाए लियो, हमारे पेठे का स्वाद इन बच्चन से पूछे, ये बच्चा खा रहे। बच्चा पेठा खाए कदरदान बने, जवान नारियल खाए पहलवान बने, बुढ़ा पेठा खाए जवान बने। पान खाने से लबों पे शान आएगी, दूध पीने से बदन में जान आएगी, जूस पीने से बदन में सुरूर आएगा, नारियल खाने से चेहरे पे नूर आएगा। दिल लगाने की बात करो, आशियाने की बात करो, लाए हैं कच्चा नारियल आगरे का मशहूर पेठा खिलाने खाने की बात करो। ऊपर से गिरी बूंद धरती सुनहरी हो गई, ओमपाल भैया को पेठा और नारियल खिलाते खिलाते पूरी दोपहरी हो गई। चलेगी गाड़ी उड़ेगी धूल, नारियल और पेठा न खाया आपकी होगी भूल। भैया उधार मांग कर शर्मिंदा न कर, खिलाया आगरे का पेठा और नारियल तुम्हारी सुस्ती उतार दी, वो लौट के नहीं आए, कल जिन्हें सौदा उधार दी इसलिए आज नगद कल सौदा। पैसे ना हो टूटे मोबाइलों से, कच्ची जानी की पायलों से और गाड़ी की खराब बैटरी से ले जाओ। सेहत बनाएगा कुब्बत बढ़ाएगा खून बढ़ाएगा ताकत बढ़ाएगा ये कच्चा नारियल। यूं ही तेरा जलवा महफिल में शरे आम नहीं, तुझे नारियल खिलाकर पहलवान न बना दूं तो ओमपाल मेरा नाम नहीं। मजाक करने की आदत नहीं, दिल दुखाने की आदत नहीं, कच्चा नारियल और पेठा टूटे मोबाइल से, कच्ची जानी की पायल से, गाड़ी की खराब बैटरी से देने आए उधार देने की इजाजत नहीं। स्वाद जापानी से मिला अंगूर का पानी, इसको खाए हिंदुस्तानी, जो ना खा इसकी नादानी, करो ना तुम मनवानी, मेरे पेठे का जलवा है तूफानी, इसलिए तुमको भी ये खानी। ये दिल वाला नादान है ये कुछ जानता नहीं, आगरे का पेठा खाए बगैर मानता नहीं। नाम लेकर तेल लेना में कभी, आजमा कर देख लेना में कभी, मजा ना आए कोई चीज खाने में, आगरे का पेठा आसाम का नारियल खाकर देख लेना कभी। भगवान की मर्जी के बिना पेड़ तो पेड़ पत्ता हिल नहीं सकता, हमसे अच्छा पेठा और नारियल कहीं मिल नहीं सकता। आ जाओ नारियल और पेठा खाने वालों शौकीन भाइयों। कहना है आंसू निकल आते हैं जब मुलाकात नहीं होती है, दिल टूट जाता है जब बात नहीं होती है, तुम्हारी कसम तुम्हें याद किए बिना सो जाऊं ऐसी कोई रात नहीं होती। ऐसे ही खड़े खड़े शेर सारी गाने सुनते रहिए, थोड़ा करीब आकर देख लो, देखने को ऐसे नहीं है भैया। इसका स्वाद है बेहतर, इसमें डाली खुशबू और इतर खाना, चार यार मिलकर थोड़ा पेठा लेके जाना, घर देना भौजी को, जाकर भौजी बोलेगी आजकल लाए कहाँ तो तुम देवर, बता दो ओमपाल भैया का घर लाऊंगी, पेठा जाकर ज्यादा कहना है बेकार, ओमपाल भैया का पेठा बड़ा मजेदार। बड़े बड़े फिल्म स्टार खाते हैं आगरे का पेठा भाई साहब। और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो संपर्क करें रिंकू भाई, कस्बा बीसलपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी वालों। रिंकू भाई का नंबर नोट करें 95 360
174-08।